जैसलमेर किला भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर शहर में स्थित है। ये दुनिया के बहुत कम जीवित किलों में से एक है, जैसे कि कारकासोन फ्रांस, क्योंकि पुराने शहर की लगभग एक चौथाई आबादी अभी भी किले के भीतर रहती है। वन टू अपने 860 साल के इतिहास के बेहतर हिस्से के लिए किला जैसलमेर शहर था। कहा जाता है कि जैसलमेर की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए किले की दीवारों के बाहर पहली बस्तियां 17वीं शताब्दी में बनी थी। वन जैसलमेर किला राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है, जिसे 1156 में रावल शासक जैसल ने बनवाया था, जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा है, और यह महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग प्राचीन सिल्क रोड सहित के चौराहे पर स्थित है। किले की विशाल पीले बलुआ पत्थर की दीवारें दिन के समय गहरे भूरे शेर के रंग की होती हैं, जो सूरज ढलने के साथ शहद सुनहरे रंग में बदल जाती हैं, जिससे किला पीले रेगिस्तान में छिप जाता है। इस कारण इसे स्वर्ण दुर्ग, सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तीन सोनार किला बंगाली में स्वर्ण किले के लिए नाम परित को द्वारा इसी नाम की प्रसिद्ध बंगाली फिल्म के बाद लोकप्रिय हुआ, जिसे प्रख्यात फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इस किले में शूट किया था। किला त्रिकुटा हिल पर महान थार रेगिस्तान के रेतीले विस्तार के बीच स्थित है, इसलिए इसे त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। यह आज उस शहर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है जिसका नाम इसके नाम पर है। इसका प्रमुख पहाड़ी स्थान इसके किले की विशाल मीनारें कई मील दूर से दिखाई देती हैं। चार 2013 में कंबोडिया के नोम पेन में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में जैसलमेर किले को राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ राजस्थान के पहाड़ी किलों के समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। किंवदंती है कि किले का निर्माण रावल जैसल एक भाटी राजपूत ने 1156 में करवाया था। सिक्स कहानी कहती है कि इसने लोधरुवा में पहले के निर्माण को पीछे छोड़ दिया, जिससे जैसल असंतुष्ट था, और इस प्रकार जब जैसल ने जैसलमेर शहर की स्थापना की तो एक नई राजधानी स्थापित की गई। लगभग 1299 में रावल जैत सिंह प्रथम को दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक लंबी घेराबंदी का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने खजाने की कारवां पर भाटी हमले से भड़क गया था। घेराबंदी के अंत तक निश्चित हार का सामना करते हुए भाटी राजपूत महिलाओं ने जौहर किया और मूल राजा की कमान के तहत पुरुष योद्धाओं ने सुल्तान की सेनाओं के साथ युद्ध में अपने घातक अंत को प्राप्त किया। सफल घेराबंदी के बाद कुछ वर्षों तक किला दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा, इससे पहले कि अंततः कुछ बचे हुए भाटियों ने फिर से कब्जा कर लिया। 7 रावल लूणकरण के शासनकाल के दौरान लगभग 1530-1551 में किले पर एक अफगान सरदार अमीर अली ने हमला किया था। जब रावल को लगा कि वह एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, तो उसने अपनी महिलाओं का वध कर दिया, क्योंकि जौहर की व्यवस्था करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। दुर्भाग्य से ये काम पूरा होने के तुरंत बाद ही अतिरिक्त सेना आ गई और जैसलमेर की सेना किले की रक्षा में विजयी हुई। लगभग 1299 में रावल जैत सिंह प्रथम को दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक लंबी घेराबंदी का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने खजाने की कारवां पर भाटी हमले से भड़क गया था। घेराबंदी के अंत तक निश्चित हार का सामना करते हुए भाटी राजपूत महिलाओं ने जौहर किया और मूल राजा की कमान के तहत पुरुष योद्धाओं ने सुल्तान की सेनाओं के साथ युद्ध में अपने घातक अंत को प्राप्त किया। सफल घेराबंदी के बाद कुछ वर्षों तक किला दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा, इससे पहले कि अंततः कुछ बचे हुए भाटियों ने फिर से कब्जा कर लिया। रावल लूणकरण के शासनकाल के दौरान लगभग 1530-1551 में किले पर एक अफगान सरदार अमीर अली ने हमला किया था। जब रावल को लगा कि वह एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, तो उसने अपनी महिलाओं का वध कर दिया, क्योंकि जौहर की व्यवस्था करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। दुर्भाग्य से ये काम पूरा होने के तुरंत बाद ही अतिरिक्त सेना आ गई और जैसलमेर की सेना किले की रक्षा में विजयी हुई। 1541 में रावल लूणकरण ने मुगल सम्राट हुमायूं से भी युद्ध किया था, जब हुमायूं ने अजमेर जाते समय किले पर हमला किया था। 8 उन्होंने अपनी बेटी की शादी अकबर से करने का प्रस्ताव भी रखा था। मुगलों ने 1762 तक किले पर नियंत्रण